हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान एकेडमी। सो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली बात करने जा रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी LLB 3 ईयर एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस 2023 एंड 2024 के रिगार्डिंग। हम इस वीडियो में हम सिलेबस एंड किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे डिटेल में बात करेंगे। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी LLB एंट्रेंस एग्जाम 3 ईयर वाले एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली लॉ रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले बात करते हैं हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में, हम एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न ये आपके 3 पार्ट में डिवाइड होता है। आपका पेपर सेक्शन 1 में होता है, भाग 1 में होता है लैंग्वेज कॉम्पिटिशन। सेकंड सेक्शन में होता है आपका जनरल अवेयरनेस एंड लीगल एंड रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। पहले बात करते हैं हम इसके बारे में, किसके बारे में, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में आपके 2 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है हिंदी एंड दूसरा आता है आपका इंग्लिश। दूसरा क्या आता है आपका इंग्लिश। तो जो आपके हिंदी से 25 क्वेश्चन आते हैं एंड इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों को मिलाकर आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं, 50 क्वेश्चन बनते हैं। कितने, 50। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। तो दोनों को मिलाकर आपके जो मार्क्स, ये जो पार्ट 1 आता है ये आता है आपका 100 मार्क्स का। तो 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आते हैं हिंदी इंग्लिश में से। तो इसके हम टॉपिक में बात करूँगा किस टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं वो हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। इसमें से भी हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। तो टोटल आपको बेसिकली 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं 300 मार्क्स के। तो 100 क्वेश्चन तो रहेंगे। अब 50 क्वेश्चन आते हैं आपके लीगल एप्टीट्यूड रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के बारे में। तो हम बात करते हैं सेक्शन 3 के बारे में। तो सेक्शन 3 में बात करते हैं हम सेक्शन 3 के बारे में। तो इसमें लीगल एंड रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से आपके 25 क्वेश्चन आते हैं एंड लीगल एप्टीट्यूड से आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। टोटल मिला के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। कितने, 100 मार्क्स के। तो टोटल मिलाकर जो आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो 150 क्वेश्चन बनते हैं 300 मार्क्स के। तो 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के आते हैं। तो अब बात करते हैं हम सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे हम लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। किसके बारे में, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। ये पार्ट 1 है। तो जैसे कि पैसेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आते हैं आपके, वन वर्ड्स सब्यूटेशन आते हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आते हैं, स्पेलिंग एरर्स आते हैं, एनोमेंस आते हैं, रोमास आते हैं, वर्ड एंड कन्फ्यूज आते हैं, वोकैबुलरी आती है, सेंटेक्स आते हैं, ग्रामर आती है, आपकी नॉलेज ऑफ प्रोवर्ब्स की आती है। इसके लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए उसके लिए मैं आपको बुक के बारे में बात करूंगा कि आपको इनकी जो प्रिपरेशन करनी चाहिए वो किस बुक से करनी चाहिए, सारी की सारी डिटेल मैं आपको बताऊँगा। अब बात करते हैं हम, हाँ, इसमें से आपके इंग्लिश में से दो और आते हैं आपके, हाँ ये थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, हाँ दो और आते हैं आपके फिगर ऑफ स्पीच एंड लीगल टर्म्स एंड प्रैक्टिस राइटिंग। अब बात करते हैं हम पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में आपके आते हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। तो कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला टॉपिक है आपका इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी एंड कंप्यूटर नेशनल रिजिशन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी रिजेटिव, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आते हैं, इंडियन कल्चर से आते हैं, टेरिटरीज से आते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये सबको मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ लेकिन आपको आगे मैं हिंदी में बताऊँगा। तो अब बात हो गया, हम बात करते हैं पार्ट 3 के बारे में।
तो पार्ट थ्री में बात करते हैं रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, जिसमें आपके जो क्वेश्चन आते हैं, पहला आता है आपका मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल मैथमेटिक्स एनालाइज एंड और इवन डिस्क्रिप्शन, डेडिटिव रीजनिंग एंड क्लासिफिकेशन एंड लॉजिकल फैकल्टी, एनालॉजी सिलोलॉजी एंड एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट टू जज द वेंट ऑफ मिड ऑफ कैंडिडेट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं लीगल रीजनिंग के बारे में। तो लीगल रीजनिंग में जो आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आपके ज़्यादातर लीगल रीजनिंग के बारे में। हाँ, तो ज़्यादातर वो बनते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ज़्यादा पूछे जाते हैं मेरे अकॉर्डिंग। जुडिशल सिस्टम से आते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस से आते हैं। अब बात करते हैं हम हिंदी में, थोड़ा सा इन लोगों, हाँ हिंदी में। तो पहले बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2025। हाँ, ये सारी पीडीएफ मैंने मतलब क्रिएट की है। हाँ, तो अब हम हिंदी में बात करते हैं कौन कौन से आते हैं। तो हम पहले बात करते हैं भाषा परिवर्तन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। तो पहले, हाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करके इसको सेट कर लेते हैं। तो पहले आता है दोनों खंड, ये हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों खंडों में अपठित गद्यांश के बोध, पर्यायवाची एंड विलोम शब्दी शब्द एंड ऋषि ऋषि शब्दों के भेद, शब्दानुसार पद, व्याख्या शब्दों के वाक्यों में प्रयोग, अशुद्ध वर्तनी, वाक्य रचना, शब्द प्रयोग शुद्धिकरण, अपूर्ण वाक्यों के लिए पूर्ति मुहावरे, लोकहितों के सही संज्ञान एवं प्रयोग, सरल व्याकरण एवं अलंकार, दैनिक प्रयोग विधि शब्दावली, खाल लेखन आदि परिलक्षित वस्तु प्रश्न, ये हो गए। एंड अब बात करते हैं हम सामान्य, अब बात करते हैं हम सामान्य अभिज्ञान एवं संप्रेतिक प्रशिक्षण जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के बारे में। तो इस प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान प्रारंभिक प्रश्न के साथ विश्व भूगोल, विश्व एवं भारतीय इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, संस्कृत के प्रमुख तथ्य, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी एंड समकालीन राष्ट्रीय क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आर्थिक परिदृश्य अंतर्राष्ट्रीय संस्था संधियों आदियों के अभिज्ञान प्रश्न इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड अब बात करते हैं भाग थर्ड के बारे में। तो सॉरी, हाँ भाग थर्ड के बारे में बात करते हैं। वह किसके बारे में, भाग थर्ड के बारे में बात करते हैं। तो पहले आते हैं इस प्रश्न पत्र में बौद्धिक योग्यता का मतलब रीजनिंग, गणितीय विश्लेषण, निगमात्मक विवेचन, समविषम विवेक, वर्गीकरण तर्क दोष एवं संगठित विसंगठित विज्ञान, निष्कर्ष निष्पादन आदि के समर्थ प्रचलित वस्तु प्रश्न, वैदिक अविक्षमता, विधिक व्यवस्था, संविधानिक एवं वैदिक सिद्धांत एवं व्यवहार से संबंधित प्रश्न। हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6398304022 पर, या हाँ इस पर मैसेज, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक कंडीशन है कि आपको हमारे चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा एंड आप इस की वीडियो की पीडीएफ ले सकते हैं। एंड हाँ, अभी तक आप इसलिए अभी तक अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बना रखे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन भी मतलब सोल्व करा रखे। अगर आप चाहते हैं कि मैं AU LLB एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस सेट कराऊं या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊं या फिर और भी मतलब इसके बारे में और भी AU से रिलेटेड वीडियो बनाऊं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था एंड हमारे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की प्लेलिस्ट में जाके और भी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, मैं बुक की बात करता हूँ पहले कि कौन कौन सी बुक से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए सजेस्ट करूँगा जनरल अवेयरनेस मतलब लीगल रीजनिंग। हाँ, सारे के लिए आप एक काम करना है कि लूसेंट नाम की बुक आती है, किसी भी बुक सेलर के पास जाना, लूसेंट की बुक ले लेना। लूसेंट में ऐसे आपके वर्ल्ड एंड इंडियन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ से कन्वर्ट हो जाएंगे वहीं से आते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसी वीडियो में से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, और भी मतलब अगर इंग्लिश चाहिए तो आप इंग्लिश के लिए ब्लैक बुक, अगर तुम ज़्यादा डिटेल में जाओ तो एक ब्लैक बुक नाम से एक बुक आती है, आप इंग्लिश में वहाँ से पढ़ सकते हैं। हिंदी के लिए भी आप तुम लूसेंट से ही आप कवर कर लोगे।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था।